है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीमी का फूड निबलर, जिसे मैंने अपने बेबी के लिए मंगवाया है। और इस फूड निबलर को मैंने 1 मंथ यूज़ किया है, ये देखने के लिए कि कहीं से ये कोई लीकेज प्रॉब्लम या फिर कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ये रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। और इस रिव्यू के शेयर करने का मतलब यही है कि अगर आपके बच्चे डायरेक्ट फूड कोई फूड नहीं खा पा रहे हैं, तो आप इस निबलर में आप कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज़ें मैश करके आप उसे दे सकती हैं, जिसका कुछ पार्ट आपके बेबी के पेट में चला जाए और बेबी आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस निबलर से इंजॉय करेगा। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में आया था। और यहाँ पर जो आप ये सैक देख रहे हो, इसका ये 2 तरीके से मिला था मुझे। ये जो फूड निबलर की मैं बात करूँ, इसमें सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट जब मैंने अपने बेबी को इसमें इस फूड निबलर को जब मैंने यूज़ किया, तो ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये येलो हो गया है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया था, उसके बाद मैंने बॉयल भी किया था इसको, बट आप देख सकते हो कि ये येलो ही येलो है। यही चीज़ मुझे इस मीमी के प्रोडक्ट की अच्छी नहीं लगी है, बाकी ओवरऑल ओके है, अच्छा है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये BPA फ्री है, बाइट रेसिस्टेंट मैश है, ईजी ग्रिप शेप है, जो कि वाकई है। और जो ये सैक है, ये सिलिकॉन का है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि लुक वाइज कैसा है, आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से है। आपको क्या करना है, तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये जो फूड निबलर मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, इसे हमें यूज़ कैसे करना है। मैंने यहाँ पर इस निबलर के सारे पार्ट्स को अलग कर दिया है और इसके बाद मैं बताऊँगी आपको इसे कैसे करना है। उसके बाद ये 2 चीज़ें दी हुई हैं जिनको मैंने अलग कर दिया है, आपको इसमें इंसर्ट करना है ऐसे। इससे आप अपने फूड को पुश कर सकते हो कि वो आपके बेबी के पास जाए, उसका जो फ्रूट का जूस है। उसके बाद आपको इसे इसमें लगाना है। इसको करने के बाद ये जो यहाँ पर सैक दिया हुआ है, इसे आपको ऐसे इंसर्ट करना है। और आपको कोई भी फ्रूट अगर देना है, वो आपको इसमें डाल के इसको ऐसे, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ से बहुत अच्छे से टाइटली बंद हो जाएगा। जब आप इस फ्रूट को इसमें दोगे, अगर आपको मैश करना है, तो आप देख रहे हो इसको, आप जब ऐसे ट्विस्ट करोगे तो ये और भी ज़्यादा मैश होगा आपका जो फ्रूट है। और यहाँ पे जो आप होल्स देख रहे हो, इससे जो फ्रूट के जूस हैं वो आपके बेबी तक अच्छे से जा पाएंगे और उसे जो आपका बेबी है वो बहुत अच्छे से इंजॉय करेगा। सो मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरा बेबी कैसे करता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आप आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।